हेलो फ्रेंड्स, मैं उभानु। और क्या आपको पता है कि जिस गूगल को आप रोज़ अपने डेली बेसिस पे यूज़ करते हो कुछ भी सर्च करने के लिए, कुछ भी नॉलेज लेने के लिए, उस पर सबसे पहली चीज़ क्या सर्च करी गई थी? और क्या आपको पता है कि एक टाइम की बिजली, यानी कि जो बादल से बिजली कड़कती है, एक टाइम की बिजली पे कितना करंट होता है? तो अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ ऐसी अमेजिंग गजब के फैक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मारते हैं छलांग इस फैक्ट की दुनिया में। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों चाइना ने कुछ दिन पहले एक रॉकेट लॉन्च किया था। किस लिए? क्योंकि चाइना अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। जैसे कि अर्थ पे के बाहर एटमॉस्फेयर पे एक स्पेस स्टेशन है जो जिससे काफ़ी ज़्यादा कंट्री कनेक्टेड है, लेकिन चाइना अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता था जिसके लिए वो पार्ट्स भेजता था रॉकेट के थ्रू। अब क्या हुआ कि चाइना ने अभी कुछ दिन पहले एक रॉकेट भेजा था, तो क्या हुआ, वो फेल हो गया। मतलब ना उसके सिस्टम काम करना बंद कर चुके थे। अब वो डायरेक्ट अर्थ के अंदर गिरने लगा, अर्थ में गिरने लगा। अब उसका वजन था 18 टन, यानी कि 18,000 किलो। और यही नासा ने प्रिडिक्ट किया कि ये इंडियन ओशन में गिरेगा, और सच में ये इंडियन ओशन पे ही गिरा। तो दोस्तों अगर सोचो कि किसी इंसान पे गिरता तो उसका क्या हाल होता। मतलब चाइना वाले कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों जो अपोलो 11 था, यानी कि फर्स्ट मून मिशन, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग थे और मॉड्यूल पायलट माइकल थे, जो पहला अपोलो मिशन था, उसमें जब वो अपोलो 11 चांद के ऊपर लैंड करने वाला था, लैंड करने से 100 फीट ऊपर, यानी कि 100 फीट की ऊंचाई पर, उनके पास सिर्फ 15 सेकंड का फ्यूल बचा था। अगर वो 15 सेकंड का फ्यूल ख़त्म हो जाता तो वो रॉकेट क्रैश कर जाता। दोस्तों कैसा लगा फैक्ट, कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों आप जो पैसे देखते हो, हमारी इंडियन करेंसी, कॉइन्स, रुपए और नोट, इन सबको बनने में कितना रुपए लगता है? तो आओ हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि कितने रुपए को बनने में कितना रुपए लगता है। सो एक रुपए का जो कॉइन होता है ना, उसको बनने में 1 रुपये 11 पैसे लगते हैं, तो ये उसकी असल रेट से ज़्यादा है। और जो 2 रुपये का कॉइन होता है, उसको बनने में 1 रुपये 28 पैसे लगते हैं, जो कि उससे उसकी ओरिजिनल रेट से थोड़ा सा कम है। उसके बाद जो 5 रुपये का सिक्का होता है, उसको बनने में 3 रुपये 69 पैसे लगते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो 10 रुपये का नोट होता है, उसको बनने में 5 रुपये 54 पैसे लगते हैं, लगभग उसका आधा लगता है। फिर जो 100 रुपये का नोट होता है, उसको बनने में 1 रुपये 51 पैसे लगते हैं, ये तो 1 रुपये ही लगते हैं एकदम, तो मतलब इसका 1%। फिर जो 500 का नोट होता है दोस्तों, उसको बनने में 2 रुपये 57 पैसे लगते हैं। फिर जो दोस्तों 2000 का नोट होता है, उसको बनने में 4 रुपये 18 पैसे लगते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि 2000 के नोट को 4 रुपये बनने लगते हैं, इतना सस्ता और हमको लगता है कितना महंगा। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों ये धरती पे रोज़ाना बिजली कड़कती रहती है, गिरती रहती है कहीं ना कहीं, पर दोस्तों आपको क्या पता है कि जो एक टाइम की बिजली होती है, एक बार जो कड़कती है, उसके अंदर कितना वोल्ट और करंट होता है? दोस्तों तो उसके अंदर होता है लगभग 300 मिलियन वोल्ट्स। क्या बोला तूने? 300 मिलियन वोल्ट्स, यानी कि लगभग 3000 करोड़ वोल्ट्स, इतना वोल्ट एक टाइम की बिजली में होता है जो आसमान से कड़कती है। और उसके अंदर जो करंट होता है, वो लगभग 30,000 एम्पियर का करंट होता है। दोस्तों सोचो कितना ज़्यादा, हमारे जैसे पता नहीं कितने घर एक साथ जल जाएंगे उस बिजली से। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों गूगल को आप सब यूज़ करते हो अपने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, सर्च करने के लिए, पर जब गूगल पहली बार बना था तो उस पर सबसे पहली चीज़ जो सर्च करी गई थी, वो एक पर्सन का नाम था जिनका नाम है गेरहार्ड कैस्पर। इनकी बायोडाटा सर्च किया गया था गूगल पे, और ये साथ ही साथ उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी थे। तो इनके बारे में सर्च किया गया था सबसे पहले गूगल पे, जब बना था गूगल उस पर सबसे पहली चीज़ यही सर्च करी गई थी। दोस्तों कैसे लगे ये फैक्ट्स आपको जान के? अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।